देखिए, एक तो हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रॉक्सी वार है। चार चार जंगें पाकिस्तान लड़के 47 में, 65 में, 71 में, कारगिल में उसने मार खानी पड़ी और उसका बहुत नुकसान हुआ। अभी जिस तरीके से उसने एक प्रॉक्सी वार का जो योजना बनाई और आपने जियाउल हक के वक्त के बाद का जो किया है कि कुछ लोग हमारे यहीं की ज़मीन, यहीं का सब कुछ और कुछ छोटी मोटी सपोर्ट देते हुए और एक जिहाद के नाम पर ये जो किया है, तो ये सिर्फ मामूली लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी लड़ाई है, वार है। और जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी सरकार आने के बाद और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी पीडीपी की सरकार है, आपने देखा होगा कि पिछले समय में एक साल में 250 उग्रवादी जो है वो एलिमिनेट हुए हैं। प्रेशर इतना था कि 76 के लगभग ऐसे लोग जो कश्मीरी नौजवान था जो उग्रवाद के रास्ते पर जा गए थे वो वापस आए हैं। आज वहाँ पर जिस तरीके से सुंजुमा में हुआ, वहाँ काफ़ी लोग हमारे कश्मीर के शहीद हुए हैं जो कश्मीरी मुस्लिम हैं, जो जैकलाई के थे, जम्मू के भी शहीद हुए, बाकी लोग भी हैं। तो आज कल जब उनकी वहाँ उनका पार्थिव शरीर लिया गया और वहाँ पर पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, उन्होंने कहा कि उनके लोगों को सुना होगा, उनके रिश्तेदारों के, हमारे लोग जो हैं कौम के लिए वो शहीद हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस, पहले आर्मी लड़ती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते थे, कुर्बानियां देते थे, आज जम्मू कश्मीर पुलिस जिसमें मेजॉरिटी कश्मीरी मुसलमान है वो फ्रंट पर आके उग्रवाद के साथ लड़ रहा है। तो ये एक वार है, प्रॉक्सी वार है। डिप्लोमेटिकली भी जिस तरीके से हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो है आइसोलेट किया है, आपने देखा होगा कि अभी फलस्तीन में प्रधानमंत्री जाते हैं और सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देश उनको कैसा स्वागत करते हैं। ये पाकिस्तान के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो कल कश्मीर में हुआ और या हमारे प्रधानमंत्री के जाने के बाद हुआ। तो ये एक 70 साल से, 1947 से जब पाकिस्तान बना है तब से ये सारा चल रहा है। तो एक दो साल में जिस तरीके से हमने एक प्रेशर उस पर बिल्डअप करी है, तो वो डेस्परेशन में सारा कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा सिंजुआ में जितने लोग आए थे एक भी बच के नहीं गया, जब कल करणनगर में कश्मीर में हुआ एक भी बच के नहीं गया। और आपने देखा होगा कि इस प्रकार की लड़ाई में जब इस फजाइनी अटैक होता है तो डेफिनेटली जो अटैकर है, जो हमलावर है, वो हमेशा सतर्क रहता है, वो अपना टारगेट चुनता है। जो डिफेंस में कई बार नुकसान होता है और यहाँ पर भी जो नुकसान हुआ है शुरू में हो गया, होगी ए बी सी डी कोई भी रोहिंग्यास होंगे जो बाकी होंगे, उनको सभी को जो भी इसमें मिली भगत हो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई इस प्रकार की बात हम कहें कि किसकी इन्वॉल्वमेंट है किसकी नहीं है, आज की डेट में मैं नहीं कह सकता। जो फाइंडिंग्स आएंगी, इंक्वायरी होगी, वो सारी बातें, दूध का दूध पानी का पानी होगा और उसमें सख्ती से निपटा जाएगा।